हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द चैनल। तो जो हम लोग सीमेंस कंट्रोलर में हम लोग आज करेंगे ग्रूविंग साइकिल। ओके, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि मैं कोई भी वहाँ पे कुछ चीज़ें शेयर कर सकूँ आपके सीएनसी से रिलेटेड। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पहले सॉफ्टवेयर को खोल लेते हैं। मैंने पहले सॉफ्टवेयर खोल रखा है क्योंकि थोड़ा सा 2-3 मिनट टाइम लेता है तो वेस्ट होता था टाइम, इसलिए मैंने सॉफ्टवेयर पहले से खोल लिया। तो हम लोग आज क्या करेंगे, आज हम लोग करेंगे ग्रूविंग साइकिल। ग्रूविंग करेंगे हम लोग सिलेंड्रिकल शेप में। तो हम लोग सीएनसी लेथ पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप जानते हैं सिलेंड्रिकल शेप यूज़ होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले प्रोग्राम बनाने से पहले क्या करेंगे, हम लोग प्रोग्राम मैनेजर पर जाएंगे, देन पार्ट प्रोग्राम। पार्ट प्रोग्राम पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर न्यू प्रोग्राम पर करेंगे प्रोग्राम गाइड जी को। मैं प्रीवियस वीडियोस में ये अच्छे से बता चुका हूँ, तो आप वो मेरी 2 वीडियोस पहले वाली देख लीजिए। मैंने स्टेप टर्निंग का बता चुका हूँ। ओके, स्टेप टर्निंग के मैं बता चुका हूँ और थ्रेडिंग का भी बता चुका हूँ। ओके, तो आप उसको जरूर चेक करिए। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अब प्रोग्राम नेम डाल लेता हूँ थ्रेडिंग, सॉरी थ्रेडिंग 2 करके नाम लोग डाल लेते हैं, देन हम लोग ओके करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर प्रोग्राम पेज खुल सका है। अब हम लोग यहाँ पर प्रोग्राम टाइप करेंगे। तो हम लोग को प्रोग्राम लिखने से पहले हम लोग हमेशा, अब जैसे ये तो रियल मशीन तो है नहीं, सिमुलेटर है, तो हम लोग को इसको बताना होगा कि हम लोग का वर्क पीस क्या है और कितना उसका साइज है, क्या डायमेंशन है। तो हम लोग डायमेंशन देने के लिए वेरियस पे क्लिक करेंगे, देन ब्लैंक, देन हम लोग यहाँ पे डायमेंशन देंगे। तो हम लोग 50 डाई ले लेते हैं हम लोग वर्क पीस का। ओके, और 70 mm हम लोग बढ़ा लेते हैं इसको, 100 कर लेते हैं, और इसको कर लेते हैं -80। ओके, तो हम लोग का वर्क पीस सेलेक्ट हो गया, हम लोग ओके करेंगे। देन हम लोग इसके बाद G75 यूज़ करेंगे होम पोजीशन के लिए। दोनों एक्सिस को होम रेफरेंस कर देंगे, देन नेक्स्ट लाइन हम लोग टूल सिलेक्शन करेंगे। टूल सिलेक्शन के लिए मैंने बताया था एडिट पे जाएंगे, देन सेलेक्ट टूल, प्लंज कटर, ये हम लोग का ग्रूव कटर रहेगा, ग्रूविंग टूल रहेगा, तो हम लोग प्लंज कटर यूज़ करेंगे। ये मैं बता चुका हूँ -100 -100, आप अगर कुछ और भी हो तो आप -100 -100 लिख दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे मैं दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर 90 है। ओके, तो आप अगर आप में हो तो -100 कर दीजिए, क्योंकि ये यहाँ पर वैल्यूज तब चेंजेस होती हैं जब हम लोग ऑफसेट लेते हैं। अगर मैं इसी प्रोग्राम में अगर मैं ऑफसेट भी लेना बताऊं उसी टूल का, तो काफ़ी लंबा वीडियो जाएगा। मैं एक प्रोग्राम के लिए मैं एक ऑफसेट बता दूंगा, एक टूल के लिए ऑफसेट कैसे लेते हो, तो और उसी को फॉलो करके आप हर टूल का ऑफसेट ले लेंगे। ओके, इससे टाइम बचेगा, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप लोग देखेंगे नहीं, बोर हो जाएंगे। तो प्लंज कटर यूज़ करेंगे, देन ओके, देन हम लोग D1 देंगे ऑफसेट D1 में, देन एंटर, देन हम लोग को रोटेट करना है वर्क पीस को। तो G96S200 लिमिट यूज़ करेंगे, LIMS इक्वल टू 1200 ले लेते हैं और 1000 ले लेते हैं हम लोग। ग्रूविंग करना है तो हम लोग कम ही रखेंगे RPM। देन नेक्स्ट लाइन M03। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हम लोग को ग्रूविंग साइकिल देनी है। तो ग्रूविंग साइकिल किस में हम लोग को मिलेगी, टर्निंग में। तो हम लोग यहाँ हॉरिजॉन्टल सॉफ्ट की में ऑप्शन है, टर्निंग पे क्लिक करेंगे, देन ग्रूव का ऑप्शन आ गया। ओके, ग्रूव भी हम लोग कई तरीके के कर सकते हैं। देखिए ये एक ग्रूव है, देन इस तरह का ग्रूव होगा। ओके, इसमें काफ़ी कुछ रेडियस भी होंगे, आप ले सकते हैं। ओके, देन ये ग्रूव होगा, देखिए ये ग्रूव। ओके, तो हम लोग ये अला करेंगे पहले। देखिए हम लोग सेफ्टी डिस्टेंस 1 लेते हैं, फीट 50 लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग देखिए क्या है, यहाँ पे पहले रफिंग होगा, फिनिशिंग मतलब पहले ग्रूव बनेगा, फिर अगर उसको कुछ अलाउंस छोड़ना है तो वहाँ पे छोड़ देंगे, देन हम लोग अगर साथ में करना है तो यूज़ करेंगे। ओके, देन हम लोग रफिंग एंड फिनिशिंग साथ में ही होगा, वही टूल हम लोग का फिनिशिंग भी कर देगा, वही रफिंग कर देगा, मतलब वही ग्रूव बना देगा। अगर ग्रूव में हम लोग कुछ अलाउंस छोड़ेंगे तो वो फिनिश भी कर देगा। तो हम लोग की पहली पोजीशन क्या रहेगी, हम लोग की पहली पोजीशन मतलब हम लोग ग्रुप करना है तो ऑफ कोर्स डाई से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो डाई हम लोग 15 लेंगे। और
थोड़ा अब पहले ही स्टार्टिंग Z0 से तो हम लोग ग्रूव करेंगे नहीं, तो हम लोग कुछ डिस्टेंस से बात बात के ग्रूव करेंगे। तो -15 से हम लोग यहाँ 0 होता है Z0, तो हम लोग -15 से स्टार्ट करेंगे ग्रूव, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा, ये -15 होगा, यहाँ पे 50x50 होगा। तो अब B1 क्या है हम लोग का, हम लोग का थ्रेड मतलब ग्रूव की लेंथ कितनी, मतलब जेड में कितनी लेंथ है, तो हम लोग 10 mm का ग्रूव ले लेते हैं, ग्रूव विथ ओके 10 mm का। देन हम लोगों को क्या T1 मतलब कितने डेप्थ में जाना है, तो हम लोग डेप्थ कर लेते हैं 40 का है, तो 50 डाएगा तो हम लोग 40 तक ही रखते हैं ओके। देन हम लोग को ये सब एब्सोल्यूट में देना है। अब हम लोग को क्या करना है, डेप्थ देना है, डेप्थ ऑफ कट मतलब कितना कितना कटना है एक बार में, मैक्सिमम इन फीड डेप्थ ड्यूरिंग इंसर्शन मतलब कितना हम लोग का कटना चाहिए, तो 1 mm हम लोग का कटेगा। हम लोग अलाउंस दे देंगे 0.2 पॉइंट जेड जेड और एक्स और जेड में अलाउंस 0.2 दे देंगे, जब जो कि फिनिश कर देगा बाद में। एन वन अगर देखो हम लोग यहाँ देते हैं, तो हम लोग मतलब है कि एक ग्रुप बना रहे हैं हम लोग उस वर्क पीस में, मतलब एक ही बनेगा। अगर इसके आगे हम लोग कुछ डिस्टेंस के बाद हम लोग ग्रुप बनाना है फिर से, तो हम लोग क्या करेंगे, एन में 2 लिखेंगे। देन देखिए यहाँ पे जैसे इनपुट करेंगे तो एक और ऑप्शन आ जाएगा डीपी, मतलब देखिए डीपी का मैं बताता हूँ क्या है, डिस्टेंस ऑफ ग्रुप। तो देखिए जो पहला ग्रुप हुआ उसका जो लास्ट है, ये हम लोग का यहाँ था ये वाला, तो देखिए यहाँ से हम लोग को डिस्टेंस देना कि ग्रुप की कितनी है ओके, तो डीपी यही होगा। तो हम लोग यहाँ पे दे देंगे -30 दे देते हैं ओके, ओके कर देते हैं। बाकी हम लोग सिमुलेट करेंगे, अगर उसमें कुछ चेंजेस करना होगा तो मैं दिखाऊंगा, मैं ग्रुप दिखा देखिए पहला ग्रुप ये होगा हम लोग का, दूसरा ग्रुप इतने डिस्टेंस के बाद यहाँ पे हो जाएगा, मतलब जो हम लोग को ये यहाँ से हम लोग को -30 की डिस्टेंस पे होगा ओके। देन एक्सेप्ट करता हूँ मैं, देन इसके बाद हम लोग इनपुट करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, G75 होम कर देंगे हम लोग एक्सिस को, G75 X0 Z0 देन M05 M30 M05 स्पिंडल ऑन स्पिंडल ऑफ M05 स्पिंडल ऑफ ओके। देन हम लोग सिमुलेट करते हैं, ये हम लोग यहाँ से एडिट करके कट कर देंगे इसको, रीनंबर कर देंगे, फालतू जो हम लोग की लाइन है हम लोग कट कर देंगे इसको, नहीं भी करेंगे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रोग्राम लोग को देखना है तो अच्छे से, तो हम लोग यहाँ रीनंबरिंग कर देंगे। देखिए N1 से स्टार्ट हो गया, N1 N2 ओके। हम लोग सिमुलेशन करते हैं इसका, तो देखिएगा पहले सिमुलेशन अच्छे से, हम लोग के ग्रूविंग का सिमुलेशन है हम लोग का, देखिए अभी टूल आएगा हम लोग ग्रूविंग टूल, देखिए हो गया। अब देखिए यहाँ से इस डिस्टेंस के बाद जो हम लोगों ने -30 लिया था, तो इस डिस्टेंस से हम लोग कैलकुलेट करके यहाँ पे ग्रूव हो गया। अब देखो मैं 3D में दिखाता हूँ ओके, या आप अपने माउस की हेल्प से इसको एडजस्ट कर सकते हैं जैसे भी आपको देखना हो ओके। अब मैं इसको साइकिल ऑन करता हूँ फिर से, देखिए देखिए टूल आएगा पहले इस पॉइंट पे, यहाँ पे -15 पे हम लोगों ने -15 ही लिया अराउंड शायद, बस यहाँ से हम लोग का पहला ग्रुप हो जाएगा, जो हम लोगों ने दूसरे ग्रुप की डिस्टेंस दी है इस डिस्टेंस से, तो वहाँ से -30 के डिस्टेंस के बाद वहाँ पे ग्रुप वही सेम ग्रुप हो जाए हम लोग को, उस ग्रुप की हम लोग को चेंजेस कुछ नहीं करने पड़ेंगे, वैल्यूज कुछ नहीं देने पड़ेगा ओके। तो आप देख सकते हैं ये देखिए हम लोग का ग्रुपिंग हो गई है, ग्रूविंग ऐसी होती है। अगर हम लोग को डिस्टेंस थोड़ा कम करना है तो आप हम लोग इसकी विथ कम कर सकते हैं, देखिए मैं दिखाता हूँ, अगर हम लोग को इसको ग्रूव विथ कम करनी है जैसे अराउंड 8 करनी है, 8 कर लेते हैं एक्सेप्ट करते हैं, सिमुलेट करते हैं इसको, देखिए थोड़ा सा हम लोग का जो विथ की ग्रूव की विथ है वो कम हो जाएगी। ओके तो देखिएगा टूल आएगा पहले, मैं स्पीड बढ़ा लेता हूँ थोड़ा, ये देखिए देखिए पहले से थोड़ा कम हो गई।
तो ऐसे ही आप इसका प्रोग्राम लिख सकते हैं। देखिए काफ़ी छोटा प्रोग्राम है, किसकी वजह से, सीमेंस कंट्रोलर में मतलब बहुत अच्छी फैसिलिटी दी है कि इसमें साइकिल्स स्टोर्ड है पहले से, इनबिल्ट साइकिल, बस हम लोग को वैल्यूज़ फिल करनी होती है बस। ये सब पूरी ड्रिलिंग, टर्निंग, काउंटर टर्निंग, काउंटर टर्निंग करूँगा तो आपको बहुत सही लगेगा, मैं अच्छे से बताऊँगा। फेस मिलिंग मिलिंग है, ओके। तो इसमें काफ़ी हैं ऑपरेशन, और इसमें बहुत सारे ऑपरेशन हैं, तो आप इसी साइकिल्स का यूज़ करके आपको प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। बस आप अपने वर्क पीस का साइज ले लीजिए, उसी में आप साइकिल्स लगा दीजिए, बहुत अच्छे से। देखिए कितना छोटा प्रोग्राम बन गया। अगर इसी को हम लोग सिफानुक में लिखते, काफ़ी बड़ा प्रोग्राम बनता, लिखना पड़ता काफ़ी बड़ा प्रोग्राम। तो सीमेंस का यही एडवांटेज है, उसमें साइकिल्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं सीमेंस की, तो बहुत ईजी पड़ता है। तो बाकी आप को कैसा लगा वीडियो, आप जरूर मेंशन करिए कमेंट में, और वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको कमेंट में जरूर मेंशन करिए। लेकिन आपको अगर इसका सीमेंस कंट्रोलर का पूरा इंट्रोडक्शन चाहिए, मैंने 5 वीडियो में पूरा इंट्रोडक्शन कवर किया है, एक एक बटन से लेके पूरे जितने बटन्स हैं, ये यहाँ पे जॉग मोड एंड ऑल सब, ये फीड ओवर एड, ये सब कुछ साइकिल मैंने 5 वीडियोज़ में कवर कर दिया। मैं प्लेलिस्ट उसको आई बटन में डाल दूंगा, आप उसको जरूर चेक करिए प्लीज़। तो आपको कोई क्वेश्चन नहीं रह जाएगा। बाकी आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड डे।